साथियों नमस्कार। आज आपके लिए राजस्थान के अंदर किसान महोत्सव जो 16, 17 और 18 जून को जयपुर में लगाया गया है, यहां से मुर्रा भैंस का वीडियो लेकर के आ रहे हैं और पूरे राजस्थान से एक ऐसी अनोखी मुर्रा भैंस यहां पे राजस्थान सरकार की द्वारा बुलाई गई है। और ये जो किसान साथी है हनुमान जी जाट इनका नाम है और जयपुर के आसपास से ये आए हैं। अपन मिलते हैं इनसे, जानते हैं कब से मुर्रा नस्ल पे काम करें, किस तरह का जैसे हरियाणा के अंदर जो मुर्रा नस्ल का प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है, क्या उस तरह से राजस्थान के अंदर भी दूध उत्पादन है वो मुर्रा अच्छा कर रही है। इन सभी आपके सवाल जो हैं इस पे अपन भाई साहब से मिलते हैं और जानते हैं। भाई साहब नमस्कार, बता दीजिए। जय सिंहपुरा रोड पे जयपुर के अंदर। कितने सालों से आप मुर्रा भैंस पे काम कर रहे हो? 20 सालों से काम कर रहे हो। अभी आपके पास में कितनी भैंसे हैं टोटल? 20-22 भैंसे हैं। और दूध उत्पादन जैसे इस भैंस में कितना दूध है अभी? अभी 36 महीने की है। अच्छा, बछड़ी है। ओके, तो 15 लीटर है। 36 महीने की ने बच्चा भी दे दिया और अभी 2 महीने की आप ब्याई हुई भी बता रहे थे, 15 लीटर अभी दूध दे रही है। ठीक है, तो इसकी माँ और आपके फार्म में 22 लीटर दूध दे रही है। 22 लीटर राजस्थान में भी दूध दे रही है, यानी हरियाणा में या पंजाब में तो सुना है कि अच्छा मैनेजमेंट और सब कुछ होता है, तो अपने राजस्थान में यदि इस तरह का परफॉर्मेंस मुर्रा भैंस गर्मी के अंदर और बिना हरे चारे की कंडीशन में या कम हरे चारे की कंडीशन में यदि करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा भी इस तरह की जैसी और आपके फार्म में पहली बार कोई ब्याई है, दूसरी बार ब्याई है, उनका क्या रिकॉर्ड रहता है? कोई 20 दे रही है, कोई 18। अच्छा अच्छा, 17। ठीक है, 20-22। तो आप सांड काम, बुल काम में लेते हो, जोटा काम में लेते हो या सीमन से एआई करते हो? सीमन से। तो मुख्यतः जैसे कौन कौन से बुलों का सीमन आप अपने फार्म पे लेते हो काम में? वो तो डॉक्टर साहब लगा के जाते हैं। सरकारी सरकारी सप्लाई का सीमन आप काम में लेते हो? तो ये भी सरकारी सप्लाई के सीमन की बेटी है, यानी सरकारी सीमन की सप्लाई का भी इतना अच्छा रिजल्ट है वो अपने को मिल सकता है। खाने पीने में आपके यहाँ क्या कुछ रहता है थोड़ा बहुत कुछ? हम चने की चापड़। हाँ, अच्छा, ठीक है, यानी नॉर्मल जो एक बेसिक जो दाना है जैसे नॉर्मल पशुपालक करता है, गेहूं का दलिया और वो सब आप करते हो। दूध आपके यहाँ क्या रेट जा रहा है भैंस का? 50-60-70 ऊपर जाता है। अच्छा, जयपुर के आसपास मतलब 60-70 रुपए तक वो रेट मिल जाता है। चलो फिर तो अच्छा है कि क्योंकि दूध के साथ साथ में और अपन दूसरी बात करें तो घी का क्या रेट रहता है भैंस के घी का? यहाँ पे 800 से लगभग 900 रुपए की रेंज के अंदर रहता है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में खास करके हनुमानगढ़ गंगानगर या हरियाणा पंजाब के टच के क्षेत्र को छोड़ करके यदि बात करें तो भैंस पालन का काम है वो बहुत कम किया जाता है, जबकि जयपुर के अंदर जहाँ पे जो राजस्थान का एक हर्ट क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर भी मुर्रा भैंस पे हरियाणा की तरफ पे काम किया जा रहा है और ब्रीडिंग पे भी ये काफी समय से काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि दूध उत्पादन में भी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है वो मुर्रा भैंस कर रही है और एक सरकारी सीमन का जो सप्लाई का जो सीमन आता है डॉक्टर से इंसेमिनेट करवाते हैं और उसके बाद में भी इतना अच्छा रिजल्ट, इसके पीछे यही है कि जो ब्रीड का जो पोटेंशियल है वो चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो, ब्रीड यदि अच्छी है तो सब जगह अच्छा परफॉर्मेंस वो कर पाएगी। बाकी किसान के मैनेजमेंट पे, किसान के प्रबंधन पे, उसके फीडिंग पे, इन सब चीजों पे ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो यदि आप किसी साथी को कोई क्वेरी हो, आप इनसे बात करना चाहे, इनसे संपर्क करना चाहे तो एक बार भाई साहब आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9696946943 और आपका नाम हनुमान जी, जयपुर के पास से आप भाकरोटा से रहने वाले। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।